नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एनएल जिंकोविट ड्रॉप्स के बारे में। ये दवाई किन परेशानियों में, किन रोगों में दी जाती है, कैसे इसको लिया जाता है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, एलोपैथी में जिंकोविट नाम से मल्टी विटामिन आते हैं और ये दवाई भी मल्टीविटामिन के तौर पर ही काम करती है। ऑल ओवर बॉडी को स्ट्रेंथ देने का काम करती है, वीकनेस को, थकावट को, कमजोरी को दूर करती है। साथ ही इस दवाई को हम बच्चों में भी दे सकते हैं, अडल्ट्स में भी दे सकते हैं और बुजुर्गों में भी दे सकते हैं। जिसकी खासियत ये है कि इसमें जो दवाइयाँ डाली गई हैं वो हमारे फिजिकली और मेंटली स्ट्रेंथ देने का काम करती है। ये दवाई जो इसमें डाली गई है वो है क्रेटेगस। क्रेटेगस बहुत इफेक्टिव दवाई रहती है हमारे हार्ट के लिए, हमारे बॉडी के लिए। इसके अलावा इसमें जिनसेंग डाला गया है। जिनसेंग बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। ये कमज़ोर इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मददगार रहती है। अगर किसी पेशेंट को कमजोरी, थकावट या यौन दुर्बलता देखने को मिलती है, खासतौर पर पुरुषों में, तो उसके लिए ये दवाई खासतौर पर दी जाती है। ऐसे बच्चे भी इस दवाई को लेते हैं जो लॉन्ग टाइम पढ़ते रहते हैं, लंबे टाइम तक पढ़ते रहते हैं एग्जाम्स में, और उसके बाद उनको थकावट या कमजोरी देखने को मिलती है, सिर दर्द की शिकायत आती है, तो ऐसे पेशेंट में भी ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। कुछ लोग जो एनजाइटी, डिप्रेशन का शिकार रहते हैं या फिर ओवर थिंकर, जो जिनको सिर दर्द की शिकायत हो सकती है, ऐसे पेशेंट में भी ये दवाई दी जाती है। ऐसी ही कुछ और दवाइयाँ इसमें डाली गई हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं। ब्लड शुगर लेवल की अगर परेशानी है उसको रिड्यूस, कम करने में मददगार रहती हैं। हाइपरटेंशन की शिकायत है, हाई बीपी की शिकायत है, तो उसको भी मेंटेन करने का काम करती हैं। ये दवाइयाँ जो इसमें डाली गई हैं ये पेशेंट के मानसिक और शारीरिक कमजोरी को दूर करती है, स्ट्रेंथ देने का काम करती है, एनर्जी देने का काम करती है। अब दोस्तों, इसको लिया कैसे जाता है? अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है, आपका वेट कम है और सिर दर्द के साथ चक्कर की परेशानी आ रही है और नींद आपको सही से नहीं आ रही है, तो एक बार कंसल्ट जरूर कर ले डॉक्टर से। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। अगर इसकी कॉमन डोज की बात, तो इसको जो अडल्ट्स में दिया जाता है 22-30 ड्रॉप्स, 1/4 कप पानी में दिन में 3 से 4 बार, और बच्चों में इसको 5 से 10 ड्रॉप्स ही दिया जाता है, थोड़े पानी में डालकर। खाना खाने से आधे घंटे पहले ले सकते हैं या खाना खाने के आधे घंटे बाद आप इसको ले सकते हैं। ये हमारी मेमोरी पावर को भी मजबूत करती है। याददाश्त जिन लोगों की कमज़ोर होती है, स्टूडेंट्स की हो या फिर बुजुर्ग लोगों में, कई बार ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि उनकी याददाश्त धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, पुरानी बातें उनको ध्यान नहीं रहती है, हमेशा थका हुआ वो फील करते हैं, पूरे शरीर में दर्द की शिकायत कई बार आ जाती है। ऐसे डिजीज में, ऐसे सिम्टम्स में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में ले। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियोस से आप अपडेटेड रहें। थैंक यू।